हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को एक ऐसा चमत्कारी दूध के बारे में बताने वाली हूँ, जिस दूध को लेने से आप लोगों के हड्डियों में जो कमज़ोरी है, अनिद्रा की जो आपको प्रॉब्लम है, आपके जोड़ों में जो दर्द रहता है, आपको थकान जो लगती है, या फिर आपके शरीर में कैल्शियम की कमी है, उसे ये जड़ से ख़त्म कर देती है। तो कौन सा ऐसा दूध है जिसे आप लोगों ने लेना है, और क्या उस दूध में आप लोगों ने ऐसा मिलाना है जिसको लेने से आप लोग इन प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं, तो चलिए जानते हैं उसके बारे में। फ्रेंड्स, आप लोगों ने सबसे पहले एक कटोरी मखाना लेना है। मखाना आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं, आपको आसानी से ग्रोसरी वाली शॉप पे मखाना मिल जाएगा। एक कटोरी आप लोगों ने मखाना यूज करना है। फ्रेंड्स, मखाने में भरपूर मात्रा में कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक और कॉपर होता है। ये हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है। मखाने में बहुत ही ज्यादा मात्रा में एंटी एक्सिन तत्व होते हैं, जो कि हमारे शरीर में बुढ़ापे को जल्द से नहीं आने देती है। यानी कि जिन लोगों को कम ही उम्र में बुढ़ापा मतलब हो जाता है, आज की डेट में आप लोग को पता होगा लोग इतने टेंशन में रहते हैं, लाइफ स्टाइल पूरी खराब है, और छोटी सी उम्र में ऐसा लगने लग जाता है कि वो काफी बड़े एज के हैं, तो मखाना लेने से आपकी उम्र में प्रभाव नहीं पड़ता है। मखाना खाने से हमारा डाइजेस्टन सिस्टम भी बहुत अच्छा रहता है। इसके साथ फ्रेंड्स, मखाने में इतना ज्यादा कैल्शियम होता है, ये हमारे घुटनों का दर्द, कमर का दर्द, और सबसे ज्यादा हमारे पैरों और पिंडलियों में जो दर्द होता है, उसे ये जड़ से खत्म कर देता है। इसीलिए फ्रेंड्स, मखाने का सेवन हमें हमेशा करना चाहिए। मखाना खाने से जो भी डायबिटीज के पेशेंट है, उनका शुगर लेवल कंट्रोल में रहता है। साथ ही साथ जो लोग बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं, यानी कि बहुत ज्यादा सोचते हैं, उन लोगों को भी इस प्रॉब्लम से थोड़ा सा छुटकारा मिल जाता है। और फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आप लोग को बता दिया है कि मखाने में भरपूर मात्रा में कैल्शियम होता है, तो इसे लेने से हमारा शरीर फुर्ती में रहता है, क्योंकि हमें ना हड्डियों में दर्द होता है, ना कमर दर्द होता है, हमारी बॉडी पेन हमें होता ही नहीं है, और हमें एकदम फुर्ती महसूस होती है। तो आप लोग लगा सकते हैं कि मखाना खाना हमारे लिए कितना बेनिफिट होता है। तो वही दूसरी चीज जो आप लोगों ने दूध में डालने के लिए लेना है, वो है खसखस। खसखस को बहुत से लोग पोस्ट दाना के नाम से भी जानते हैं, और इंग्लिश में वही इसे कहा जाता है पॉपी सीड। तो चम्मच आप लोगों ने खसखस इस दूध में मिलाना है। खसखस भी हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है। खसखस में बहुत ज्यादा मात्रा में कैल्शियम, थायमिन और मैग्नीज होता है। साथ ही साथ फ्रेंड्स, खसखस में जो बहुत ही स्पेशल चीज है, यानी कि जो इसमें भरपूर मात्रा में है, वो है ओमेगा 3 फैटी एसिड। आपको पता होगा फ्रेंड्स, ओमेगा 3 फैटी एसिड बहुत कम चीजों में पाया जाता है, और खास करके बहुत कम वेजिटेरियन चीजों में पाया जाता है। आप लोगों ने इस दूध को बनाने के लिए 2 चम्मच खसखस का यूज करना है। आप लोग यहाँ पे मिश्री का यूज कर सकते हैं। मिश्री का यूज जरूरी नहीं है कि आप लोग इस दूध में करें ही करें। जिन लोगों को मीठा दूध पसंद नहीं है, वो लोग मिश्री को स्किप कर सकते हैं। जो धागे वाली मिश्री आती है, उसे ले सकते हैं। तो आप लोगों ने कौन सा लेना है, वो डिपेंड करता है आप लोगों पे। अगर आप लोगों को गाय का दूध मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं मिलता है तो आप लोग भैंस का दूध भी ले सकते हैं। बट गाय का दूध बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव होता है हमारी हेल्थ के लिए। लेकिन अगर आप लोगों कि वहाँ पे गाय का दूध को नहीं मिलता है, तो आप लोग भैंस का दूध भी यूज कर सकते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने एक छोटी कढ़ाई ले लेनी है, उसमें आप लोगों ने 1 छोटा चम्मच देसी घी डाल देना है, और जैसे ही घी गर्म हो जाए, उसमें आप लोगों ने खसखस जो है उसे मिला लेना है, और आप लोगों ने इसे हल्का सा रोस्ट करना है घी में। तो जब आप लोगों को लगे कि खसखस 5 से 10 मिनट अच्छे से रोस्ट हो गया है, यानी कि जो उसका कच्चापन है वो चले गया है, फिर आप लोगों ने इसमें 1 गिलास दूध ऐड कर लेना है। उसके बाद आप लोगों ने इसमें मखाना ऐड कर लेना है, और स्लो फ्लेम पे आप लोगों ने इसे अच्छे से पकने देना है, ताकि आपका जो खसखस है और मखाना है वो अच्छे से दूध में मिल जाए और अच्छे से पक जाए। तो आप लोगों ने 10 से 15 मिनट तक इसे अच्छे से उबाल लेना है। उसके बाद आप लोगों ने गैस को बंद करके, जब ये थोड़ा सा इतना आप लोग सहन कर सको दूध पीना, यानी कि ज़्यादा गर्म भी नहीं और ज़्यादा ठंडा भी नहीं, उतना हो जाए, तो आप लोगों ने इस दूध का सेवन कर लेना है। अब मैं आपको यहाँ पे ये बता दूँ कि ये दूध आप लोगों ने कब लेना है। ये दूध आप लोगों ने रात को ही लेना है, क्योंकि जो खसखस इसमें हमने ऐड किया हुआ है, खसखस को लेने से नींद थोड़ा आती है, तो इसलिए आप लोग इस दूध को रात में लेना, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होगा। जैसे कि मैंने आपको बता दिया है, इस दूध को लेने से आपको बहुत सारी प्रॉब्लमों से छुटकारा मिल जाता है। तो फ्रेंड्स, ये था वो दूध जिसे आप लोगों ने 15 दिन तक लगातार लेना है। अगर आप लोग इसे 15 दिन तक लगातार
खाओगे तो आप लोगों को खुद ब खुद ये पता चल जाएगा कि आपकी बॉडी पे इसका क्या असर हो रहा है। ये आपकी आंखों की रोशनी को भी ठीक करता है। जिन लोगों की आंखों में बहुत ज़्यादा दिक्कत है, काफ़ी सारे लोगों को दिखता नहीं है, काफ़ी सारे लोगों की आंखों में बहुत ज़्यादा कमजोरी है, तो उन लोगों को भी इस दूध का ज़रूर सेवन करना चाहिए। वहीं जो लोग रोज़ाना नींद की गोली खाते हैं उन लोगों के लिए भी काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद है। और जैसे कि मैंने आपको बता दिया है, खसखस में और मखाने में भरपूर मात्रा में कैल्शियम है, तो ये आपकी हड्डियों को बहुत ज़्यादा मजबूत करता है। आपको कोई भी मतलब चाहे वो जोड़ों से हो, कमर में हो, पैरों में हो, हाथों में, कोई भी ये दर्द महसूस नहीं होने देता है। तो फ्रेंड्स, ये था वो दूध जिससे आप लोगों ने लेना है। अगर आप लोग इसे रोज़ाना एक हफ्ते या फिर 15 दिन तक यूज़ करते हैं तो आप लोगों को खुद ब खुद इसका असर दिखाई देना शुरू हो जाएगा और ये दूध आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। पर आप लोगों को भी ये सारी प्रॉब्लम है जो मैंने आगे वीडियो में बताई है, तो आप लोग इस दूध का ज़रूर इस्तेमाल करें, बहुत जल्दी आप लोग इन प्रॉब्लम से छुटकारा पा लेंगे। सो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स, आप लोगों को आज की ये बताई गई वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो मेक श्योर वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए मिलती हूँ बहुत जल्दी आपको अपने एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।